आपका जो रोल है इसमें सो एक इसमें लाइन भी बहुत खूबसूरत की ऑफिसर्स की जो बीवी होती है उनको ज्यादा बहादुर होना पड़ता है, तो आपके रोल के बारे में कुछ बताइए। आई थिंक यू नो जितना कि दिखाया गया है ट्रेलर में इट्स बेसिकली व्हाट इट इज, यू नो शी इज द स्ट्रेंथ बिहाइंड अमे एंड इट वाज अ रियली ब्यूटीफुल रोल टू प्ले एंड आई थिंक रितेश हैज रिटन सच अ लवली रोल फॉर मी एंड इट्स अ डिफरेंट रोल मेरे लिए, अ न्यू एक्सपीरियंस। राज वाज ब्रिलियंट टू वर्क विद एंड होपफुली आपको अच्छा लगेगा, आप सबको अच्छा लगेगा। नहीं, हम सबको तो ऑलरेडी बहुत अच्छा। ये भी है कि जब आप एक रियलिस्टिक फिल्म बनाते हैं, और ये जरूरी है, ये फैक्ट है कि अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हीरोज, रियल लाइफ हीरोज, वो तब तक नहीं बन सकते जब तक उनको फैमिली का सपोर्ट नहीं है। करेक्ट, बिना फैमिली के सपोर्ट के वो कुछ नहीं कर सकते, तो आई थिंक दैट कम्स अक्रॉस इन द फिल्म। ताऊ जी खतरनाक, मतलब राजा जी की फौज जो आ रही मौज वाला लग रहा है, जो जबरदस्त है, मतलब बहुत टाइम बाद ऐसा जो एक दमदार खतरनाक रोल है, तो ये कैसा रहा आपके लिए एक पूरी जर्नी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मेरी जिंदगी का जो सबसे बड़ा सपना था वो इस फिल्म के साथ पूरा हो गया। हालांकि मैं इस इंडस्ट्री में काफी सालों से हूँ, लेकिन कभी उस जगह तक नहीं पहुंच पाया कि मेरे घर पे रेड पड़ सके। तो पिक्चर में ही सही, चलो रेड तो पड़ी। बहुत जल्दी मांग रहे हैं। पता चले थोड़े महीनों बाद या सालों बाद पछता रहे हो कि ये लाइन क्यों बोली थी मैंने, क्योंकि इस बारात को बुलावा कोई नहीं देता सर। बट ट्रूली इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट। रितेश थैंक यू सो मच। और मैंने राजकुमार के साथ पहली बार काम किया। हर एक्टर जो है जब भी किसी नए डायरेक्टर के साथ काम करता है तो उसको पता नहीं होता है कि डायरेक्टर क्या चाहता है, किस तरह से वो काम करता है। बट आई वॉज सो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। आई थिंक मेरी जिंदगी के जो अच्छे दिन हैं उसमें ये जो 2.5 महीने मैंने गुजारे लखनऊ में वो थे। इलियाना मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं और इलियाना से मुलाकात मेरी नहीं हुई इस पूरी फिल्म में, क्योंकि इनका ट्रैक अलग था, मेरा ट्रैक अलग था। तो हमने बड़ी शूटिंग पे तो मिलते होंगे। नहीं मिल पाए, क्योंकि इनका बिल्कुल ही स्केड्यूल्स बिल्कुल अलग अलग थे। और अजय सर जो हैं वो जितना ज्यादा नाराज हैं पिक्चर में मुझसे, उतने नाराज थे नहीं, तो काफी हंसी खुशी का टाइम हम लोगों ने साथ में गुजारा। पर एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने अजय सर के साथ उन बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म्स में काम किया जो इनके करियर में बहुत खास रही, जैसे युवा, शिवाय, जख्म। सो वो सारे, सो हाउ इज योर पार्टनरशिप विद हिम, बिकॉज मेक इट दिस इज अ मोर मीटियर रोल एंड बिगर रोल। आई थिंक काम हमने बहुत कम साथ में किया, लेकिन हमारा काम साथ में बहुत कम था। So the maximum contact I had with him when he was directing Shivai, तो उस वक्त ज़्यादा interaction हम लोगों का हुआ, वरना जख्म में भी, और जख्म तो काफ़ी पुरानी बात है, और युवा में भी जो contact था हम लोगों का उतना नहीं हो पाया था। This was the film where we had a complete time to spend together. But sir, आपने बताया कि क्योंकि शूटिंग लखनऊ में, कहानी लखनऊ के आसपास ही घूम रही है, और आप भी उस तरफ से बहुत ज्यादा आपका राबता है, सो आपने घुमाया अजय सर को वहाँ पे, मतलब सिर्फ अब तक टुंडे ही फेमस था। लखनऊ से इसको लगता था कि लखनऊ से सिर्फ टुंडे फेमस है, मैं कहने अभी रेड भी फेमस हो गई। अभी रेड भी फेमस है। अजय सर को घुमाना मतलब आप घूम जाएंगे, क्योंकि क्या है, लखनऊ या हिंदुस्तान का कोई भी शहर जो है इस वक्त काफी केओटिक है, काफी वहाँ केओस है, काफी ट्रैफिक है, और ये अगर इनके साथ अगर आप बाहर निकल गए तो आपका चलना फिरना दूभर हो जाएगा। तो मैंने कहा सर आप अलग घूमिए, मैं अलग घूमता हूँ ताकि मैं घूम लूँ। तो नाउ कैन वी हैव राइटर डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता फ्रॉम द फिल्म। सो हाउ वाज इट सर, अजय सर कैसे बोर्ड पे आए, और हाउ द फिल्म प्लान्ड, थोड़ा सा अगर हम जानना चाहें तो। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि रितेश हैं राइटर इस फिल्म के, मैं डायरेक्टर हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार मैंने सौरभ जी के साथ इलियाना के साथ और अजय सर के साथ काम किया। बहुत बार इतने बड़े और एकम्प्लिश्ड एक्टर के साथ जब आप काम करते हो तो थोड़ी आपकी रिजर्वेशंस होती हैं, या थोड़ी आपको समझ में नहीं आता कि क्या होगा सेट पे। बट इट वॉज प्लेजर वर्किंग विद अजय सर, इलियाना एंड सौरभ। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू कॉम्प्लीमेंट ऑल दीज, अजय सर, इलियाना एंड सौरभ सर, दे ऑल्सो मेड मी वेरी कम्फर्टेबल। एंड आफ्टर दिस फिल्म आई फेल्ट लाइक आई बिकेम अ बेटर डायरेक्टर। सो वैसा एक एक्सपीरियंस था, एंड आई वुड लाइक रियली रियली आफ्टर सीइंग द ट्रेलर ऑल्सो। क्या होता है कि जब आप डायरेक्टर हो, जब आपने फिल्म के थ्रू आप गुजरे हैं, तो जब आप ट्रेलर देखते हो तो पहली बार तब आपको कुछ मतलब आपका रिएक्शन उतना होता नहीं,
बट आज देखने के बाद मुझे बहुत ही खुशी हुई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस मंच पे इन सब के साथ। सर अभी क्या फील कर रहे हो राइट नाउ, आपका क्या अंदर से क्या चल रहा है? राइट नाउ आप तो देख रहे हो मैं कैसा जिब्रिश बात कर रहा हूँ, थोड़ी जर्मन आ रही थी बीच में। या आई नो बट इट वॉज प्लेजर वर्किंग विद ऑल ऑफ देम। सर बट जो ये पूरी कास्ट है, मतलब आपकी जो पूरी टीम है वो बहुत ही धाकड़ लोगों की है, मतलब सारे इतने जबरदस्त हैं, तो जब ये पूरी एक टीम बन जाती है तो फिर काम करना इजी हो जाता है, या आपको लगता है कि नहीं भाई अब तो सबसे ही सबका बेस्ट निकलवाना है, लेकिन सब क्योंकि इतने एक्सपीरियंस्ड हैं तो वो भी एक रहता है दिमाग में? देखिए धाकड़ टीम है इसीलिए धाकड़ ट्रेलर भी है और नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है क्योंकि आप लोगों के साथ काम कर रहे हो जो खुद अकम्प्लिश्ड हैं, उन्होंने आप मेरे से बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत एक्सपीरियंस है, और कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो भी कंटेंट है या जो भी स्क्रिप्ट है उसको अच्छी तरह से पेश करने का, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है फॉर श्योर। ऑल्सो नो वन किल, जैसे कि मेरे को याद है कि हल्का सा एक छोटे से फ्रेम के लिए आप आए भी थे शॉट के लिए, क्या इस फिल्म में भी आप दिखेंगे? नहीं मैं इस फिल्म में बहुत बहुत मुझे लगा कहीं आपको विश्वास के लिए थोड़ा सा नहीं ठीक है। सो कैन वी हैव द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म लेडीज एंड जेंटलमैन, भूषण सर। तो रितेश सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो सारी जो लाइंस हैं जो ट्रेलर में हम देख रहे हैं, ये ऑब्वियसली सिर्फ एक झलकी है पूरा, और क्या क्या मिलने वाला है लाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू? सर ये कैरेक्टर को ऐसी लाइंस देने का आइडिया आपकी तरफ से कैसे आया? नहीं नेचुरली बिलोंग करता है इस पिक्चर में बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ सब्जेक्ट, और क्रेडिट खाली मेरा नहीं है बिकॉज राज एंड आई आर वेरी ओपन एज कोलैबोरेटर्स, तो सौरभ सर हु इज हिमसेल्फ एन अकम्प्लिश्ड राइटर एंड अजय सर हु हैज मेट मेनी मेनी राइटर्स, इनकी तरफ से भी जो इनपुट्स आए हैं उसकी वजह से भी जो आप इम्पैक्ट देख रहे हैं चीज़ों का, और सेकेंडली कि पंच ना लगे उस कैरेक्टर को बिलोंग करे, वो तीनों का उसमें ज़्यादा हाथ है। सर भूषण सर से मैं ये पूछना चाहूँगा, 2017 बहुत ही क्रांतिकारी साल रहा आपके लिए, तो तुम्हारी सुल्लू और हिंदी मीडियम, सो वो समझ कि ये कॉन्टेंट चलेगा, इसमें ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, so is it something which you're deliberately, और हम 2018-2019-20 में भी देखने वाले? See, आज जो ट्रेंड चलता है, कभी एक्शन फिल्में चलती हैं, कभी कॉमेडी चलती हैं, अभी कॉमेडी भी काफ़ी चल रही है, एंड रियल स्पेस सिनेमा इज ऑलवेज वर्किंग, जब भी हमने हिंदी मीडियम बनाई तुम्हारी सुल्लू, इट्स कनेक्टेड टू रियल स्पेस ऑडियंस। सो ये फिल्म जब कुमार जी ने मुझे बताई थी कि ये एक रेट पे आधारित है, तो कुछ कनेक्ट हम भी कर पाए बिकॉज बीइंग अ बिजनेसमैन, तो वो सब वाक्य मेरे को ध्यान में आया, तो तब कुछ और प्लस इनपुट्स थे आपके की नहीं कोई इनपुट्स उस हिसाब से नहीं थी, ये थोड़ा म्यूजिक में था जो अजय सर की वजह से हम इसमें म्यूजिक भी है अच्छा जी। सो अब एक रियल स्पेस सिनेमा था और प्लस अजय सर उसको निभा रहे थे, उसको छोड़ ही नहीं रहे अजय सर को, बादशाह से उठाया आपने फिर इधर, अभी नेक्स्ट भी कर रहे हैं हम एक और फिल्म अभी शुरू हुई है सर, उसका भी टीजर यहीं पे ही दे देते सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एंड वी रियली एंजॉयड, आई हैव सीन द पार्ट्स ऑफ द फिल्म्स एंड बहुत बहुत अच्छी फिल्म बनी। सो राज सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा बिकॉज की इसमें ओरिजिनल म्यूजिक अमित का है एंड तनिष्क बागची इज रिक्रिएटिंग की म्यूजिक, एंड अमित के साथ आपका एक बहुत ही लंबा सफर रहा है, सो इस म्यूजिक में बिकॉज किस तरह का, मतलब इस फिल्म में कैसा म्यूजिक का फ्लेवर होने वाला है, एक सम सामदान दंड भेद सुनते हैं पीछे बैकग्राउंड में, तो किस तरह का म्यूजिक है? देखिए म्यूजिक ओरिजिनल स्कोर और बैकग्राउंड स्कोर अमित ने दिया है, मेरा काफ़ी लंबा एसोसिएशन उनसे रहा है, प्लस तनिष्क ने हमारे दो गाने जी बनाए हैं, तो एक मिक्स है, एक हार्ड हिटिंग भी है और एक कपल ऑफ जो उस समय जो 80s के दौरान में जिस तरह के साउंड्स हुआ करते थे और जो फ्लेवर थे उस तरह का भी एक मेलेडी फील्ड सॉन्ग भी है, बट अमित के साथ जैसा मेरा रहा है जिस तरह के कटिंग एज म्यूजिक जैसा अमित देता है उस तरह के भी गाने और बैकग्राउंड स्कोर है। ठीक है, आई गेस वी आर ओपन फॉर Q&A नाउ, आपकी तरफ से जो भी सवाल है। हाय सर, आलोक है आपके लेफ्ट में। सर सवाल है, आप रियल लाइफ के उस इंसान से मिले होंगे जिनकी जिंदगी पे या जिस कथा पे आधारित है, क्या क्या चीज़ें आपको जानने को मिली कि रेड
के दौरान क्या क्या होता है और उसकी मानसिक स्थिति पे क्या बातें? वो सब फिल्म में है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमें बहुत आसान लगता है, और स्पेशली 80s में जब माहौल बहुत अच्छा नहीं था, मतलब कि यहाँ तक कि किस्से रितेश और राज आपको बताएंगे जहाँ पे उनको कई लोगों को आई थिंक काट के गटर वटर में भी फेंक देते थे, तो दे यूज टू गो थ्रू अ वेरी हार्ड टाइम। तो ये सब किस्से जब सुनो आप तो ऐसा लगता था कि यार ये कैसे करते होंगे। और उनसे आप मिल भी चुके हैं, तो थोड़ा अगर आप उनके बारे में जिक्र करें जिनकी जिंदगी पे आधारित फिल्म, उसके बारे में राज आपको ज़्यादा बताएंगे। जिस तरह से जो बहुत सारी जो कहानियाँ होती हैं वो बहुत पब्लिसाइज्ड होती हैं, ये एक ऐसी कहानी थी जो इतनी इंस्पायरिंग थी और जो ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं थी बट बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी थी। उसमें इट्स वॉज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेड एट दैट पॉइंट, एंड जिस तरह के माहौल में और जिस तरह के एनवायरनमेंट में ये रेड की गई थी, और क्या था कि हमें ये भी देखना है कि उस समय मीडिया भी उतनी ये नहीं थी कि सभी चीज़ों को हाईलाइट कर दिया जा सके, तो काफ़ी डेंजरस रेड्स हुआ करते थे। लोग जाते थे तो फिर कब घर वालों को ये भी पता नहीं होता था कि कब वो वापस आएंगे, तो उस हिसाब से ये भी रेड बहुत ही डेंजरस था, और एज अजय सर ऑल्सो पॉइंटेड आउट इट वॉज लॉन्गेस्ट रनिंग रेड, और काफ़ी सिर्फ लॉन्गेस्ट रनिंग रेड ही नहीं थी, इसमें जब आप केस के अंदर जाते हैं जब आप देखते हैं तो इतने सारे डायनमिक्स थे, इतने सारे पत्ते खुल रहे थे, एंड दैट्स व्हाट मेड दिस केस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू बी ब्रॉट ऑन स्क्रीन, एंड इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग। और जैसा कि अजय सर ने पहले बोला कि बहुत बार ये होता है कि हम जो यूनिफॉर्म में लोग होते हैं उनकी वो जो जिस तरह के हीरोइक एफर्ट करते हैं हम उनको देखते हैं, बट बहुत सारे लोग चाहे वो इनकम टैक्स ऑफिसर हों, बाकी ऑफिसर्स हों, रियल लाइफ लोग हों, वो बहुत सा हीरोइक काम ऐसा कर जाते हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं, बट उन कहानियों को हमें जानना चाहिए, और ये एक एफर्ट है हम और हमारी पूरी टीम का कि एक ऐसी कहानी कही जाए और उस इंस्पायरिंग कहानी कही जाए और वो पर्दे पर लाया जाए। इलियाना, क्या ब्रीफ दिया गया था आपको एक अच्छे सपोर्ट सिस्टम के लिए? डिड यू गिव मी अ ब्रीफ राज? Honestly, you know, Ritesh had such a clear script ki brief ki honestly zarurat nahi thi because it was quite clear, and Raj again is one of those directors that's very easy to work with, very straightforward, so thankfully mera kaam bahut aasan tha, I just needed to listen to Raj and make sure the lines were delivered as easy as possible. No, it was also because she's such a fabulous एक्टर एंड जब इन्होंने स्क्रिप्ट सुना तो इनके भी दो तीन जो पॉइंट थे जो इनपुट थे उससे भी काफ़ी कुछ कैरेक्टर में बना, और काफ़ी जो क्लैरिटी थी इनको सुनने के बाद स्क्रिप्ट वो भी निकल के आई, एंड एज आई सेड शी इज सच अ फैबुलस एक्टर दैट हमें ज़्यादा कुछ मतलब इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे लगता है एक ही ब्रीफ दिया होगा कि ये बहुत ही रियलिस्टिक कैरेक्टर तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत मत लगना। भूषण जी, म्यूजिक का थोड़ा बताएं क्योंकि इस तरीके की फिल्म में म्यूजिक किस तरीके से फिट किया गया है और कौन कौन से गाने, अगर थोड़ा जिक्र करें। इसमें दो गाने हैं जो नहीं बताए हाँ सरप्राइज है, दो बहुत अच्छे गाने हैं, उसके लिए एक हफ्ता वेट कर लेना। अच्छा, हाय अजय, हाय, did you speak to some like IT officers like how they go about little nuances, you know? Not really, but the character we played, I mean, we understood, basically they understood a lot from him and I followed what they have understood. So jaisa ki we speak about, it's a true story, it's a real character, so we just knew what they feel, how they feel at that point of time, aur jitna real rakh sake utna real rakha hai. And you all shot this film at a very short period of time, it's 2.5 months I guess. Mujhe bahut lamba laga lekin aapko chhota laga hoga kyunki agar aap 2.5 mahine ghar se bahar ek jagah pe raho to aapko bahut lamba lagta hai. Yeah, next question. Ajay, in like Ajay and Ileana, your last film we saw a very popular number, Rash Ke Kamar. Isme bhi koi rahega gana jo ka, you know, in similar lines? Beta, agle hafte. Music agle hafte. Uske alawa. Abhishek, abhi aap direct bhi karne wale hain film. Khabrein aayi thi. तो थोड़ा उसका भी जिक्र कर दें। आई थिंक उसके बारे में बात नहीं करूंगा थोड़ा, क्योंकि उसको टाइम है काफी, शायद वो भी अगले हफ्ते बात करूंगा मैं यार। या पर उसके बात नहीं करूंगा फिलहाल क्योंकि अभी उसको तो टाइम है, चीजें हो रही है। आई थिंक हम यहाँ पे बात करेंगे रेड के बारे में, क्योंकि काफी लोग उसी जाना चाहते हैं,
फिलहाल तो या रितेश, जब आप संवाद लिख रहे थे तो आपके आपको पता था कि अजय इन संवादों को बोलने वाले हैं, और क्या आप किरदार के हिसाब से वो एक्टर के हिसाब से वो चीजें लिखते हैं? पहले उम्मीद थी, फिर लकीली इनको पसंद आ गई तो फिर यकीन भी हो गया. एक्चुअली कहीं कहीं पे शायद मैंने जिस तरीके से लिखा भी था वो फिल्मी हो सकता था, और फिल्म के हिसाब से उनको एक्सपीरियंस है कि कौन से जॉनर में ऑपरेट कर रहे हैं. तो इसमें कैरेक्टर के हिसाब से ही माइंडसेट को पकड़ते हुए पंची उस स्टाइल में नहीं है, और इनका एक बहुत अच्छा तरीका है कि उसको नेचुरल कर देते हैं, तो वो बात जो है मतलब घुमा के आपको बहुत रियलिस्टिकली लगेगी, पंच की तरह इमिजिएटली ना लगे बट थोड़ी देर बाद आपको हिट करेगी. वो एक ऑलमोस्ट फिर मैं अंडरस्टैंड कर गया था कि ये कैसे करते हैं, तो कुछ तो मैंने खुद कंट्रोल किया, बाकी इन्होंने बचा लिया. अजय, there's one more question for you. Ajay, you've been around in the film industry for a long time now, and you have like a crazy fan following also. Is it difficult to stay relevant in the film industry for so long, considering there's so much chaos? You know, Karan Johar also recently praised you in one of his interviews, saying that there are no. It's just that of course it's difficult. You have to. You can't take everything so easily. You have to work hard for it. And if you've achieved something, does not mean it's going to stay with you. It's not going to last forever. So you have to keep struggling and, you know, be where you are and try to go ahead till you do, because there will be a point where you'll start moving back. That's how life is. Ajay sir, Dhirendra bol raha hu, Star Dhamaka se. Kahan? Yahan pe samne samne. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में बहुत सारे टैक्स चोरी होते हैं, लोग टैक्स नहीं भरना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस फिल्म के जरिए आप? यार ये मैसेज पे काफी लोग मुझे गालियां भी देंगे, लेकिन तो इसलिए मुझे पता नहीं है मैसेज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. लेकिन हाँ, जो फिल्म कहती है वो बात तो सही है कि आप यू शुड बी फेयर, और टैक्स जो आप कमाते हैं तो फिर टैक्स भरिए. और कई बार गलती दोनों तरफ से होती है, टैक्स वालों की तरफ से भी होती है और इनकी तरफ से भी होती है, बट दोनों तरफ से सही होना चाहिए मेरे हिसाब से. कुमार सर, आपसे सवाल है. So your association with Ajay sir has been very unusual and very new. You know, jabhi bhi aap dono ko dekhte ek association hote hue, how will you define your collaboration with Ajay sir? You know, from the last so many years we have been watching. Jo association hai, ab 25 saal se upar ho gaye hain, aur is beech mein bahut hi family ki tarah relation hai. Aur jab bhi hum film banate hain, last year Drishyam ki thi hum logon ne, to bhi alag film banayi thi, usse pehle Omkara thi, aur is par jo raid hai, jaise maine Ajay ji se discuss kiya iske bare mein, तो उन्होंने बोला कि बहुत ही यूनिक फिल्म है और इसको इमिटेट करते हैं, और आई थिंक हमारा जो एसोसिएशन है इस फिल्म में और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा. हेलो अजय सर, मेरा सवाल आपसे है. सर सिंघम में, सर आपके लेफ्ट साइड, सिंघम का कैरेक्टर हमने आपको देखा, एक नया परसेप्शन क्रिएट हुआ, उसके बाद दृश्यम, और अब ये रेड आने वाला है. जो आपका जो इस फिल्म में जो कैरेक्टर है, इसमें क्या नया परसेप्शन क्रिएट हो सकता है, और क्या इस कैरेक्टर को लेकर एक नया बेंचमार्क क्रिएट हो सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए वो तो मुझे नहीं पता क्या क्रिएट हो सकता है, लेकिन स्ट्रगल यही था कि कैरेक्टर बहुत हीरोइक है लेकिन रियल है. तो जैसा कि रितेश ने भी कहा कि कोशिश यही थी कि उसको जितना रियल रख सकें, अगर पंच लाइन भी हो तो वो ऐसे लगना चाहिए कि यू नो रियल लग रही है, ऐसे नहीं लग रहा कि आप फिल्म देख रहे हैं. तो कोशिश यही थी कि कैरेक्टर को जितना रियलिस्टिकली फॉलो कर सकें, वो किया है. बाकी तो आप लोग डिसाइड करेंगे क्या अच्छा लगा आपको उसमें, क्या बुरा लगा. हाय इलियाना, टुवर्ड्स योर लेफ्ट. हाय प्रियंका फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस. इलियाना, ऑन वन हैंड यू नो यू हैव बीन प्रोफेशनली ग्रोइंग इन द रीसेंट टाइम्स, यू नो योर फिल्म्स हैव बीन डूइंग ग्रेट एंड यू हैव बीन गेटिंग ग्रेट रोल्स, बट ऑन द अदर हैंड योर पर्सनल लाइफ हैज ऑलवेज बीन इन न्यूज, यू नो रीसेंट रूमर्स बीइंग दैट यू हैव मैरिड. सो इज देयर अ कमेंट यू वांट टू मेक ऑन दैट? यू मैरिड अपेरेंटली. I don't know what the comment is. I mean, I think it's good. No, I'm professionally, basically you've given me a compliment. Professionally, I'm doing well. Thank you. Personally, I'm also doing well. I'm happy both ways. So thank you. I don't think there's a comment to be made. I mean, I've kept my personal life fairly private, and I don't like talking about it too much, but it's pretty much there for the world to see. So. So can we have Vinod Bhanushali, President Marketing, Media and Publishing from T-Series, and Shiv Chanana, Senior Vice T-Series.